दो रेखाएं समांतर रेखा की बात करें ना, दो समांतर रेखा मतलब ऐसी रेखाएं जो ऐसे जाती हो, कभी ना मिलती, उन्हें समांतर रेखा बोलते हैं। कभी ना मिलती हो, लेकिन तुम मुझसे अभी एक दिन पहले क्या बोला था, अनंत पे मिलती है, तो वही मुझे डाउट है ना उसका, अनंत पे जब मिल गई तो समांतर रेखा कैसे हो गई? अनंत पे मिलना ही मतलब कभी नहीं मिलती है ना। लेकिन मिलना और ना मिलना दोनों अलग अलग शब्द है ना भाई। नहीं नहीं, लेकिन अनंत पे आप बोल रहे हो ना, अनंत मतलब कहीं नहीं, दोनों रेखाएं जा रही जा रही, अनंत पे ऐसा परिभाषा लिखना भाई, बच्चे को बता कि दो रेखाएं जो कभी नहीं मिलती है वो समांतर रेखाएं है। अरे वही परिभाषा लिखा है ना। क्या लिखा है वो बता। दो रेखाएं अनंत पे मिलती है। तो मिल गई भाई तो। अरे अनंत मतलब कुछ नहीं, अनंत का मतलब किसको पता है? अनंत पे नहीं मिलती है ऐसा बोल, अनंत पे मिलती है मीन्स कहीं ना कहीं जाके तो रेखा एक दूसरे को भगवान मानते हैं। भगवान मतलब क्या? ये तो आप भगवान के पास जाके रेखाएं मिलती होंगी। आप ऐसा मान लो भगवान कहीं पे नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान नहीं है। तुम नहीं मानते? नहीं मानता हूँ। नास्तिक हो तुम। पहले समांतर रेखाओं को भी छोड़ो, बाढ़ में डाल दो, पहले ये बताओ कि इंफिनिटी क्या होता है। हाँ, वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले ये डिफाइन होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं? इंफिनिटी नहीं होता, इसलिए तो वो इंफिनिटी है। हाँ, नहीं होता है तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो आपको जब इंफिनिटी की जानकारी नहीं, तो इंफिनिटी सब यूज करते हो। अरे इंफिनिटी की जानकारी है, हम क्या है किताब में लिखा हुआ है, इंफिनिटी यही होता है, लिखा हुआ है। हाँ, आप इसको डिवाइड कर रहे हो जीरो से। आप मुझे बताइए इसका उत्तर क्या आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ जीरो आना चाहिए। जीरो नहीं आना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए? इन्फिनिटी क्या है? मैं इन्फिनिटी मैं बोलूँ कि इन्फिनिटी रुपए मुझे दो, क्या दोगे? अच्छा, आपको इन्फिनिटी पता है। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ इन्फिनिटी को। एक बारह बेटे आपके पास 100 रुपया है, चारों बेटों को बांटना है, तो कितना रुपया बटेगा एक बेटे में? 25 रुपया। ये वाला देखो, आप यहाँ पे कर लो, ये ऐसा हो गया, 100 रुपया था, चार बेटे थे, एक का आंसर आ गया 25, ये आपने 25 बोल दिया। अब जरा ये वाला केस ले लो, बेटे के पास, बाप के पास कुछ नहीं है, चार बेटे हैं, अब कितना आंसर आना चाहिए, कितना पैसा मिलना चाहिए? किसी को जब है ही नहीं तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे? तो कितना मिलना चाहिए? जीरो मिलेंगे। जीरो, तो इसका आंसर जीरो आ गया। देखो आप बता रहे हो, 100 बटे 4 25, 0 बटे 4। अब मुझे बताओ, आप बाप के पास 100 रुपया है और उसके बेटे ही नहीं है, उसके बेटे ही नहीं है। हाँ, तो अभी संपत्ति का क्या? तो संपत्ति 100 का 100 रुपए बाप के पास है ना, इन्फिनिटी इधर कैसे आया? अरे लेकिन बाप तो है ही नहीं ना। अरे बाप नहीं है तो बेटा कहाँ से होगा? अरे बाप मर गया, बेटा नहीं है, 100 रुपए है किसके पास? बाप के पास है। तो बाप नहीं है तो कैसे? बाप मर गया, उसका 100 रुपए क्या होगा? तो बाप वो तो गवर्नमेंट ले लेगी ना भाई। गवर्नमेंट क्यों ले लेगी? रिश्तेदार ले लेंगे, बट कहीं ना कहीं वो पैसे कहीं ना कहीं, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही बस यही रिश्तेदार के बारे में जानकारी के पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब मैं इन्फिनिटी के पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो आप भी वो नहीं हो कि किसको पैसा मिलेगा। वो पैसा गवर्नमेंट ले सकती है, वो पैसा उसका छोटा दूसरा भाई ले सकता है, उसकी माँ ले सकती है, उसका ये ले सकता है, उसका वो ले सकता है। फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, नहीं आप वेरिएबल नहीं बोल सकते, डिफाइंड नहीं है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है। रिश्तेदार उनके गिने चुने होंगे, वो डिफाइंड है, तो उतने में से 100 रुपए जाएंगे। लेकिन किधर वो जाएंगे, वो तो डिफाइंड नहीं है ना, वो अलग वेरिएबल में बोल सकता हूँ उसको भाई, ये चीज वेरिएबल है, बट इनफाइनाइट एक अलग ही वर्ड है। आप नहीं समझ पा रहे? मैं सब समझ रहा हूँ भैया, आप सर हो मैं मानता हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ मैं मानता हूँ, बट इतनी तो बुद्धि है कि आप कुछ भी पढ़ाओगे तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बच्चों को गलत समझ पढ़ा के उनका केस कमजोर कर देते हो, कुछ नहीं सर, जब आपको समांतर रेखा नहीं पता तो ज्योमेट्री कैसे पढ़ा देते हैं? अच्छा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हमको नहीं पता, आपको कौन सा ज्यादा नॉलेज है? सीधी सीधी सी बात है, आपने बच्चे को आप वही बात बोल रहे हो कि लिखवाया ऐसा अनंत पे मिलती है, फिर मैं आके पूछ रहा हूँ अनंत पे मिल रहा है, आपको डायग्राम बता सकता हूँ। हाँ चलो आ जाओ, चलो हेलो। देखो एक रेखा L1 है, ये रेखा ये है, ये रेखा L2 है, ये ऐसे जा रही है। इन दोनों की दूरी आप कहीं पर भी जाओ समान रहने वाली है।
अब इन दो रेखाओं को मैं बोल सकता हूँ डी है, ये डी है, ये डी है, ये दोनों रेखाओं को मैं बोल सकता हूँ समान है। ये मैं थोड़ा मानता हूँ, लेकिन आपने पहले क्या बोला था, अनंत पे मिलती है। आपको आपको कहाँ नंबर दिख रहा है? इसका मतलब क्या हो गया बता रहे फिर से, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रहने वाली है। अनंत मान लो, अनंत बोल रहे हो, अनंत तो कहीं तो रहेगा नहीं है। अनंत जब आप, अब आप बता रहे हो अनंत कहीं तो रहेगा नहीं, आप अनंत अनंत वर्ड आप ला रहे हो, अनंत वर्ड आप ला रहे हो, अनंत वर्ड मेरा है, अनंत कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। नहीं नहीं, अनंत का मीनिंग ये कहीं नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा बोलो ना कि जो दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी हमेशा समान कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अनंत पे मिलती है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। जा रही है ना, समांतर सर आप क्लियर करके दो ना घंटा।